यीशु मसीह ने क्रूस के उस महाबलिदान उस दंड को हमारे लिए सहे। मैं आपको इसके लिए एक सच्ची घटना बता दूं। मैं 8 साल का था, मैं अपने एक मित्र से खिलौना ले आया इस वायदे के साथ कि यह खिलौना मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा। जब मैं उस खिलौने से अपने घर में उस खिलौने से खेल रहा था, दुर्भाग्य हो गया, वो खिलौना टूट गया, मैं डर गया, चिंता ने मुझे घेर लिया। कल मैं अपने मित्र से क्या कहूं, कल मैं अपने मित्र से क्या कहूं। शाम को पिताजी लौटे, उन्होंने मेरी चिंता को देखा, मेरे आंसू को देखा, वो मुझे बाजार ले गए। उन्होंने मेरे लिए 2 खिलौने खरीदे, बिल्कुल वैसे। जानते क्यों? एक खिलौना मेरे कर्ज के लिए और एक खिलौना मेरे आनंद के लिए। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्रहिमा पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, केवल केवल आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी याजक आए के कौन भयो समय, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ, कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है। दर्शन शास्त्र में लिखा है, पाप रुदम वो परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला है। एक महत्वपूर्ण प्रार्थना, एक महत्वपूर्ण प्रार्थना। बृहदारण्यक का उपनिषद 1:27, शतपथ ब्राह्मण 4:31, अस्तमा सत्कमे थमसुमा ज्योतिर्मय मृत्युमा मृतकमे। प्रार्थना है, सिद्धांत नहीं है। आंसुओं के साथ एक प्रार्थना की जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रार्थना किस भाषा में की जाए, परमेश्वर सब भाषाओं का ज्ञानी परमेश्वर है। प्रार्थना है, अस्तमा सत्कमे, हमें असत्य से निकालकर उस सत्य में लेकर चले। प्रार्थना है, तमसोमा ज्योतिर्मय, तमस अंधकार से निकालकर ज्योति में ले जाए। मृत्युमा मृतकमे, हे परमेश्वर मुझे मृत्यु से निकाले और शाश्वत जीवन में लेकर जाए। त्राहिमाम त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे, हे परमेश्वर मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। ऋग्वेद उसका 10वां मंडल 133, ऋग्वेद 7:86, ऋग्वेद 7:89 में लिखा है, हे परमेश्वर हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए, हमें दंड मत दीजिए, हमारी सहायता कीजिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का आदर करता है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। He is Almighty God। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी? मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता थी उस पाप से, उस बंधन से दूर हो जाना, उस मृत्यु से पार जाना। कौन ले जाएगा? तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, कौन हमें उस मृत्यु के बाहर ले जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे हमारे आंसुओं को देखा, हमारी पीड़ा को देखा, मनुष्य बनकर संसार में आया। उससे कहा, मैं तुम्हारे आंसू को पोछूंगा, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। तंत्रक्त्रम परमात्रम पुण्यदान मलयाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम माविष्यम, मैं तुम्हारे अपराधों और अधर्म के लिए लहू बहाऊंगा, मैं तुम्हारा खर्चा चुकाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल लूंगा। वो परमेश्वर महान है, वो हमें संभालता है। इससे परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि संसार हमें छोड़ देगा, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी नहीं था। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह तमाम मनुष्यों की प्रार्थनाओं का उत्तर है। संसार में जहां कहीं प्रार्थना की गई, जहां कहीं मनुष्य ने आंसू बहाए, जहां कहीं मनुष्य ने परमेश्वर की खोज की, उस खोज का अंत है। मनुष्य बनकर संसार में आए हमें ईसाई बनाने के लिए नहीं, इसलिए ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में, हम उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करें। जब एक मां बच्चे को जीवन देती है, जन्म देती है, वह उस मृत्यु के दरवाजे तक चली जाती है,
उस जीवन को जीवन देने के लिए वो मृत्यु में प्रवेश कर जाती है। बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 9 पद में उसने हमें जीवन देने के लिए मृत्यु को चख लिया, हमें जीवन देने के लिए मृत्यु को चख लिया। जब एक गेहूं का दाना मिट्टी में बोया जाता है वो मर जाता है, वो स्वयं मर जाता है लेकिन 70 दानों को पैदा करता है एक यीशु मसीह महाराज। क्यों? ताकि उसके बेटे और बेटी उसका राज्य हम सदा के लिए जी। एक सच्ची घटना आपको बता दें, राजस्थान के गांव में कुछ बच्चे एक कुएं के किनारे खेल रहे थे, खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में गिर गया। बच्चे डर गए, सारे बच्चे डर गए और वो उस बच्चे के घर की तरफ दौड़े चिल्लाते हुए, माई राजू कुएं में गिर गया, माई राजू कुएं में गिर गया। मां घर में खाना बना रही थी। राजस्थान में कोई भी महिला सर पर आंचल बिना लिए नहीं निकलती, लेकिन जब मां ने सुना कि उसकी संतान, उसकी सृष्टि, उसका बच्चा कुएं में गिर गया है, वो बेसुध हो गई। उसे कुछ ध्यान ना रहा, उसने अपनी चिंता नहीं की, वो दौड़ पड़ी वहां पहुंची जहां जहां उसका बच्चा कुएं में गिर गया था। कुछ लोग वहां खड़े थे, प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुएं में कूद गई। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, लोगों के प्रयास के द्वारा उस मां को, उस बच्चे को निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, मां संसार से चली गई थी। परमेश्वर इस मां से बढ़कर है, परमेश्वर एक पिता से बढ़कर है, क्योंकि वो जीवन का आरंभ है। एक माता पिता अपने बच्चे को क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो उसका भाग है, उसका अंश है। पिछले दिनों मैं एक मजदूर से मिला, उसके हाथ घायल थे लेकिन मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। बातचीत के दौरान उसने मुझसे 300 रुपए मांगे। उसने कहा साहब क्या आप मुझे 300 रुपए दे सकते हैं? मैं आपका ये जो सारा काम है इसे कर दूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ, तुम्हारे हाथ घायल है, तुम्हारे हाथ में चोट लगी, तुम 300 रुपए के लिए और मेहनत क्यों करते हो? क्यों थोड़ा आराम नहीं करते? उसी के साथ गरीब आदमी 3 दिन बाद बच्चे की फीस चुका है, अगर ये 300 रुपए मिल जाए तो मैं समय से अपने बच्चे की फीस चुका सकता हूं। घायल हाथों से वो अपनी संतान के लिए उस उपाय को कर रहा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, आरंभ से उपाय करने वाला परमेश्वर। जब एक संसारिक पुरुष, एक संसारिक माता पिता होकर हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं तो वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो हमें कैसे छोड़ देगा, वो हमें कैसे त्याग देगा, वो हमें पाप में मरने के लिए कैसे छोड़ देगा। प्रार्थना की गई थी हे प्रभु हमें पाप से निकाली, हमें अधर्म से निकाली। उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम अपने अपने सिद्धांतों से प्राप्त कर लेंगे, परमेश्वर के साथ वो संगति हमारे सिद्धांतों पर निर्भर है। नहीं, दर्शन शास्त्र में लिखा मुंडिक उपनिषद कठोप उपनिषद 12:23 नाय मातुना प्रवचने लभ्यो मेघना पौनश्यते। ज्ञान की बातों को सुनने से उद्धार मोक्ष नहीं होता। वदन्तु शास्त्राणि भजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवा। शास्त्रों को पढ़ने से भी उद्धार नहीं होता। नक्षत्र दी प्रक्षत बाल मर्तो और तो ये नक्षत्र की कार्य अस्ति। उन नक्षत्रों पर, उन चंद्रमा पर, उन सूर्य पर विश्वास करने से भी हमारे पाप नहीं धुलते। ना योगेन्द्र सांख्यन खर्मणा नोना विधाया ब्रह्म कत मोक्ष विद्यते से दायनान्य था। ना तुम्हारे योगा करने से, ना तुम्हारे कर्म करने से,
ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नानंद केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर मनुष्य उस उद्धार को स्वयं प्राप्त कर लेता तो परमेश्वर के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या पड़ती। अगर मनुष्य उस संबंध को स्वयं प्राप्त कर लेता तो उस परमेश्वर को मानव देह रूप धारण कर इस संसार में आकर उस क्रूस से महामृत्यु को उठाने की उस दुख को भोगने की आवश्यकता क्या पड़ती। मैं एक मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा था, एक गरीब बच्चा वहां था, वो मिठाइयों को बड़े ध्यान से देख रहा था, उस मिठाइयों को प्राप्त करने की एक चेष्टा एक ललक थी। मैंने उस बच्चे को इशारा किया कि तुम दुकान में अंदर आओ, लेकिन वो डर रहा था क्योंकि उसके उसके कपड़े गंदे थे, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, उसका शरीर गंदा था। जब मैंने उसे कहा तुम अंदर आ जाओ, उसने अंदर आने का प्रयास किया, लेकिन वहां एक दरबार ने उसे रोक दिया, गार्ड ने उसे रोक दिया। मैंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, मेरा हृदय प्रेम से भर गया, तरस से भर गया। मैंने उस दुकान के बाहर जाकर उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे दुकान के अंदर ले आया और उसे वहां सोफे पर बैठा दिया और जो मिठाइयां वो देख रहा था उस मिठाइयां खरीद के उसे दी। मेरा हृदय आनंदित हो गया। तब परमेश्वर मुझसे बात करने लगा, उसने कहा कोई मनुष्य अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि और अपने समझ से मेरे सिंहासन तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस पर अनुग्रह ना हो। तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाशितम। उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर मनुष्य उस उद्धार को स्वयं प्राप्त कर ले तो परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता क्या पड़ती। इसलिए वो संसार में अवतरित हुआ, मानव देह धारण किया, उसने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। दूसरा कुरिन्थियों का 12:9 पद में लिखा है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। यूहन्ना उसका 1:16 में लिखा अनुग्रह पर अनुग्रह। इफिसियस 2:9 में लिखा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, तुम्हारी भलाई के द्वारा नहीं। यीशु कौन है? यीशु कोई सिद्धांत नहीं, यीशु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। यीशु कोई महापुरुष नहीं है, कोई संत ज्ञानी नहीं है। दर्शन शास्त्र में कहा स्वयंभू सृष्टि करता, वो तो सृजन इस सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर संसार में आया, देह धारण किया। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 4:25-24 पढ़ेंगे मालिक है परमेश्वर तो आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, इससे कोई मनुष्य उसे देख नहीं सकता, इज इनविजिबल, अदृश्य परमेश्वर है। लेकिन जब आप इब्रानियों की पत्री उसका 10:5 पढ़ेंगे वहां लिखा है परमेश्वर का एक देह तैयार की जाए, एक शरीर तैयार किया जाए, मुझे संसार में इस शरीर के साथ जाना है और उस मृत्यु को, उस अपमान को, उस पीड़ा को उठाना है। वो अपमान किसका था? वो अपमान हमारा था। वो सलीब किसकी थी? वो मृत्यु किसकी थी? वो मृत्यु हमारी थी, लेकिन उसने उठा लिया। वो विकल्प बन गया, वो समाधान बन गया। प्रभु का वचन कहता है मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। यीशु ने कहा मैं एक अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपने अपनी भेड़ों के लिए प्राण तक दे सकता है। मैं मजदूर नहीं हूं, यीशु मजदूर नहीं है, क्योंकि मजदूर उन भेड़ों को छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन वो पिता है, सृजनहार परमेश्वर, इसलिए वो खड़ा रहा। उसने उस अपमान को सह लिया, उस मृत्यु को सह लिया, उस दंड को सह लिया। जब मेरे पिताजी ने 2 खिलौने खरीदे मैं खुश हो गया, मैं आनंदित हो गया, मेरे अंदर एक एक विश्वास आ गया कि कल मैं अपने अपने मित्र को ये खिलौना देकर उस कर्ज से, उस दुख से, उस पीड़ा से बाहर निकल सकता हूं। यीशु ने क्या किया? यीशु ने आपके दुख, आपके कर्ज को अपने ऊपर उठा लिया, वो सलीब पर मारा गया, गाड़ दिया गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। वो जीता नहीं एक धनवान के लिए, एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के लिए,
सम्मानित व्यक्ति के लिए, लेकिन एक कमजोर के लिए, निर्बल के लिए, एक असहाय के लिए जिसका कोई ना हो, उसके लिए कौन आ गया है? बाइबल कहती है जब हम निर्बल थे, कमजोर थे, वो हमारे लिए आया, उसने उस मृत्यु को चख लिया, उसने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया अपने लहू के द्वारा। दर्शन शास्त्र कहता है तद्रक्तम परमात्रम, परमेश्वर का लहू, किसी भेड़ बकरी का लहू नहीं, किसी जानवर का लहू नहीं, तद्रक्तम परमात्रम पुण्य दान बलि अग्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से सर्व पाप परिहरो, रक्त प्रक्षरम आवश्यम, समस्त मानव जाति के लिए एक यज्ञ किया जाएगा, एक बलिदान किया जाएगा, शंभु सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर उसमें पुरोहित होगा, वो स्वयं यज्ञ की सामग्री होगा, वो खुद ही दाता होगा और खुद ही दान होगा। तद्रक्तम परमात्रम पुरुष में प्रजापति यज्ञस्तम, वो एक यज्ञ करेगा समस्त मानव जाति के पाप के लिए, स्वयं सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर आएगा। ये किसी गुरु से महात्मा से नहीं हो सकता, केवल उस बोझ को परमेश्वर उठा सकता है। ये बोझ भारी है, ये बड़ा है, ये मनुष्य से नहीं हो सकता, ये किसी ज्ञानी से नहीं हो सकता, ये केवल परमेश्वर से हो सकता है। इससे प्रभु का वचन कहता जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, उसने हमारे लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। मेरे प्रियो, आज से 2018 वर्ष पूर्व जब यीशु मसीह क्रूस पर था, एक भयानक मृत्यु, भयानक मृत्यु आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये आकस्मिक नहीं है, एक दुर्घटना नहीं है। क्रूस की मृत्यु को समय लगता है, 6 घंटे मारा गया, कुचला गया, थूका गया, घायल किया गया। कौन था वो? राजा हेरोदेश ने पिलातुस को उसे ठट्ठों में उड़ाया, रोमी सरकार ने उसे ठट्ठों में उड़ाया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, चुपचाप रहा। क्यों? क्योंकि वो संसार में, इस संसार में उस दुख उठाने के लिए आया था, उसे पता था मुझे क्या करना है। वो संसार में इस दुख उठाने के लिए आया, मारा गया। रोमन्स 5:8 में लिखा है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया, हमारे लिए मर गया। मेरे प्रियो, लोग आपको ज्ञान देंगे, धन देंगे, लेकिन कोई आपके लिए जान नहीं देगा। यीशु ने आपको ज्ञान नहीं दिया, उसने आपके लिए जान दे दी, आपको बचाने के लिए। वो मसीहा कहलाए। मसीहा कौन होता है? मसीहा कौन होता है जो दूसरे के दुख को उठाए, जो दूसरे की तकलीफ को उठाए, उसे हम मसीहा कहते हैं। उसने क्या किया? उसने समस्त मानव जाति के अंधकार को, उस बोझ को, उस पाप को अपने ऊपर उठा लिया। प्रार्थना की गई थी पशु यज्ञम, वो एक पशु के समान सारा बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाएगा, संसार का सारा बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। पशु यज्ञम, बाइबल कहती है देखो ये परमेश्वर का मेमना है, इसने जगत के पाप को उठा लिया है, जगत के पाप को उठा लिया है। मेरे प्रियो, वो आपको इस संसार में ईसाई बनाने के लिए नहीं आया था। बड़े शर्म की बात है, दुख की बात है कि हम परमेश्वर के महान प्रेम और बलिदान को एक धर्म से जोड़ देते हैं। यह मूर्खता ही तो है, ये उस परमेश्वर के महान प्रेम और उस बलिदान का अनादर ही तो है। दर्शन शास्त्र कहता है अज्ञानता मनुष्य को अंधकार में ले जाएगी और अंधकार में वो मर जाएगा। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते, आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु जाने, मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराए। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।
प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। मुंबई से बहन ब्लॉसम नंदी ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहन को उनके पूरे परिवार को आशीष देते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की योजना इस परिवार के साथ बनी रहे और बहन अपने परिवार और अपने काम में प्रभु की उन्नति और उस आशीष को देखें। साथ ही एक वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से हम इस परिवार के लिए पढ़ना चाहते हैं जो लिखा है कुछ इस प्रकार। मैं बयान आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ वचन संहिता उसका 18 अध्याय और 32 पद के अनुसार। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटीबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। Praise the Lord! परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों को सिद्ध करता है। हम बहन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के तमाम परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमारे देश में बना रहे। अगर आप बेरोजगार हैं, निराश हैं, दुखी, परेशान हैं, चिंता में हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी और समस्याएं आपके जीवन में हैं, प्रभु पर विश्वास करें और वो निश्चित आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आइए हम इन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहन ब्लॉसम नंदी और उनके पूरे परिवार के पिता, जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर इस कार्यक्रम को ब्लेस किया, पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने में हमारी सहायता की। हम प्रभु के सामर्थ्य को, अनुग्रह को इस परिवार के लिए मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह और आपका समाधान इस परिवार में बना रहे और इनके बच्चे, इनका काम और इनका पूरा परिवार आप में आशीष पाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के लिए पिता, तमाम परिवारों के लिए, पति पत्नी के लिए पिता। अगर कहीं कोई मनमुटाव है, कोई समस्या है, परिवारों में कोई बिखराव है, हम यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह को प्रभु वहाँ बोलते हैं। कोई बेरोजगार है, बीमार है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके उस अनुग्रह को, उस कंपैशन को प्राप्त करें पिता परमेश्वर, दया को प्राप्त करें। हम जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर आपका अभिषेक हो, आपकी आपका अनुग्रह बने प्रभु जी, ताकि वो अपने जीवन में, अपने करियर में अच्छा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश की सरकार के लिए, हमारे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए प्रभु जी, तमाम मेंबर पार्लियामेंट और तमाम आईएएस ऑफिसर्स और तमाम उन लोगों के लिए जो हमारे देश को संचालित करें, बढ़ा रहे, आगे ले जा रहे पिता। आपका अनुग्रह और आपकी दया उनके परिवारों में बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। सब बातों में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रदर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे कार्यक्रम को ब्लेस करना चाहते हैं, आप अपने आशीषों के द्वारा इस कार्यक्रम को ब्लेस करना चाहते हैं, आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर फ़ोन करें या हमें पत्र लिखें, हम निश्चित आपको उत्तर देंगे। हम विश्वास करते हैं कि आपका सहयोग और हमारा परिश्रम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष होगा और एक दिन भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।